जो अपने गले में तुलसी पहने हैं, जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, उस जीव को, उस पुरुष को, उस महिला को खान पान में मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, सर्वदा छोड़ देना चाहिए। और आपने ये नहीं छोड़ा और आप तुलसी पहने हो और रुद्राक्ष पहने हो तो आपको 1% तो कह ही नहीं सकते, 0 से 0% फल भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहली शर्त ये है कि ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ो तो रुद्राक्ष पहनो। अब हम पहन तो लेते हैं गले में, लेकिन नियम का पालन नहीं कर पाते। इसलिए शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, विद्येश्वर संहिता 25वां अध्याय और 43वां श्लोक, आपको मांस मदिरा लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ोगे तो रुद्राक्ष पहन सकते हो। और ये तो वैसे भी छोड़ना चाहिए, रुद्राक्ष तो बाद में पहन लेना, तुलसी तो बाद में पहन लेना, लेकिन ये तो वैसे भी छोड़ दीजिए। क्यों भैया? क्योंकि आप लोग एक जीव को शमशान लेके जाते हो, कोई मर गया उसे शमशान लेके जाओगे, जाते हो कि नहीं? और उसे छोड़ के आओगे दाह करके, तो अपने हाथ को अपने तन को रगड़ रगड़ के नहाते हो, नहाते हो कि नहीं? एक पूरी साबुन खत्म कर देते हो, रगड़ रगड़ के नहाते हो। क्यों? कोई चिपक गया क्या? कोई जीव लग गया क्या आपसे? कोई भूत पलित संग में हो गया क्या? नहीं, आपको लग रहा है कि शमशान में गए थे, रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। क्या है शमशान में? वहां पे मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां पे मुर्दे गड़ाए जाते हैं। आप गए तो अपने आप को रगड़ के नहाया धोया। और लोग महाराज आज इस जगत में संसार में कितनी जीव जंतुओं को मार करके पेट में रख लेते हैं, मांस भक्षण करने वाले ऐसे ही तो हैं, कितनी जीवों को मार के पेट में रख लिया। अब महाराज आपका पेट तो चलता फिरता शमशान है, अब कहां तक नहाओगे, कहां तक धोओगे, कहां तक स्नान करोगे, कहां तक साबुन लगाओगे? इसलिए मांस भक्षण से दूर रहिए, मदिरा पान मत करिए। हम एक बार गए तो अनेक बार नहाते हैं, लेकिन हम इतने जीव जंतुओं को काट के मार करके पेट में रख लेते हैं और हाथ धोना भी उचित नहीं समझते। इसलिए भैया सबसे पहली शर्त है पूजन की, भजन की, यजन की, यज्ञ की, दान की, तप की, कथा की, सुमरण की, सत्संग की, कि आप लहसुन प्याज मांस मदिरा छोड़ दी। भैया सबसे पहली, अब आप कुछ भी कर लो ये करके, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर महाराज पे आरोप लगाओ, महाराज आपने बताई थी क्रिया हमने करी, फल नहीं मिला। भाई हमारी क्या गलती? नियम के पक्के आप नहीं, ये तो डॉक्टर भी बताता है, परहेज से रहना है भैया। जो मोटी फीस लेगा, जांच कराएगा, दवाई देगा, फिर बताएगा कि ये बीमारी है, ये परहेज करना नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप दवाई खाओ तो परहेज करना पड़ेगा। ऐसी पूजन करो, यजन करो, हवन करो, रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, तो परहेज से रहना पड़ेगा। हाँ एक बड़ी बात है, लेकिन जो अपने कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष धारण करता है उसके पास में कभी भी यम के दूत नहीं आते, कभी यमराज के दूत नहीं आएंगे। आपको यमराज का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा अगर तुलसी रुद्राक्ष गले में है तो। अब मन में ये भी आता है, महाराज कुछ लोग तुलसी पहनते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, या दोनों को इकट्ठा भी पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल रुद्राक्ष और तुलसी पहन सकते हैं दोनों चीजें, दोनों पहनने में कोई बुराई नहीं, दोनों पहन सकते हैं, प्रमाण भी है। और तुलसी कौन पहनता है? वैष्णव जन, जो वैष्णव है, जो हरि भक्त है, वो क्या पहनते हैं? तुलसी पहनते हैं। और इस जगत का सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? बोले बाबा,
सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भोले बाबा। तो वो तो तुलसी को धारण करे ही हैं, और भोले बाबा रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। आप भगवान का पूजन करो, यजन करो, तो महाराज रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो और तुलसी भी धारण कर सकते हो, दोनों चीजें। पुरुष भी धारण कर सकते हैं और माताएं भी धारण कर सकती हैं। तुलसी रुद्राक्ष दोनों जन दोनों प्रकार से धारण कर सकते हैं। ये नहीं कि महिलाएं रुद्राक्ष नहीं, खूब पहन सकती हैं।